जय हिंद दोस्तों। जितने भी कैंडिडेट 2024 में जीडीएस की फॉर्म फिल किए थे और उनका नहीं हुआ या फिर अभी तक नहीं हुआ है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। जीडीएस विभाग के अंतर्गत एक नई भर्ती का, तो जितने भी कैंडिडेट अभी के टाइम पे मुझे देख रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज निकल करके आ रही है। भारतीय डाक में यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक की नई भर्ती का आज मैं इस वैकेंसी का A to Z जानकारी बताने वाला हूं। साथ ही साथ कहां पे कट ऑफ कम जाती है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करना है, और एक चीज सबके मन में सवाल आ रही है, क्या जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास कर दी गई है आगे की भर्ती में। साथ ही साथ एक और आप लोगों से पूछा गया है कि क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट इस बार से मंगा जाएगा, तो सारा कुछ इसी वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ क्लियर करने वाला हूं, और कब से फॉर्म फिल अप्लाई स्टार्ट होने वाली है ये भी, ताकि जितने भी कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो सभी इस भर्ती में फॉर्म फिल कर सके। तो देखिए दोस्तों, ये जो भारतीय डाक सेवक की जीडीएस की नई भर्ती के बारे में बताने वाला हूं, ये शेड्यूल फर्स्ट 2025 कहलाएगा, यानी कि 2025 शेड्यूल फर्स्ट कहलाएगा, जिसमें अगर हम बात करते हैं टोटल पोस्ट की, ठीक है, तो इस बार भी आप लोगों को 30,000+ पदों पे भर्ती देखने को मिलने वाली है। कितना? 30,000+ पदों पे, ठीक है, और इस बार आप लोगों को दो भर्ती देखने को मिल सकती है, जिसमें अगर हम बात करें आप लोगों का एज क्राइटेरिया की, कि आखिर एज क्राइटेरिया कितना रखी गई है, तो देखिए सबसे पहली बात, पिछले बार की तरह 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है, ठीक है, जनरल EWS के लिए। बाकी SC हो गया, ST हो गया, 5 साल की छूट, OBC अगर कैंडिडेट हो तो आप लोगों को एज में 3 साल की छूट मिलने वाली है। फॉर्म फीस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल रहता है कि क्या इसमें इस बार फॉर्म फीस नहीं लिया जाएगा, तो देखिए दोस्तों अगर हम फीस के बारे में बात करते हैं तो UR हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया, ठीक है, इन सभी से ₹100 फीस है, और SC, ST, PH इन सभी से ₹0 फॉर्म फीस लेने वाली है। एक चीज अब सभी के मन में सवाल आ रही है कि इसमें क्या योग्यता चेंज कर दी गई है, तो इसमें इस बार भी योग्यता चेंज नहीं होने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार के अनुमोदन से ही ये भर्ती हो रही है, ठीक है, तो योग्यता आप लोगों का 10th पास ही रहेगा, 10th पास, ठीक है। उसके अलावा आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, ठीक है, दूसरा आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं, तो कंप्यूटर का नॉलेज है, यानी आप एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि एंड्रॉइड मोबाइल कंप्यूटर की तरह ही काम करता है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है लोकल लैंग्वेज, लोकल भाषा, ठीक है, अब ये लोकल भाषा आपके 10th के सर्टिफिकेट में एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। और एक चीज मैं बता दूं, जितने भी कैंडिडेट अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ से फॉर्म फिल करते हैं तो भैया एक दिक्कत आ रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो है वहां का मूल निवासी का, तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट बन जाता है तभी भरिएगा, नहीं तो दूसरे के बातों में आकर के अरुणाचल प्रदेश तरफ जाकर के मत भरिएगा, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया रहता है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों का आ जाता है दोस्तों, क्या इसमें एग्जाम होगा, ठीक है, तो इस बार भी आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा, मेरिट से ही सिलेक्शन है, ठीक है, मेरिट से ही सिलेक्शन होने वाली है इस जीडीएस भर्ती 2025 की फर्स्ट में। तो अगर आपके पास कुछ कुछ सर्टिफिकेट जैसे प्रॉब्लम है 10th के सर्टिफिकेट में, अगर आप लोगों का नाम मिस्टेक है या 10th के सर्टिफिकेट में अलग नाम है, आधार कार्ड में अलग है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट में अलग है, तो आप सभी से एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा, आप सबके सब 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे अपना नाम करेक्शन करवा ले, या फिर 10th के फॉर्म भरने के टाइम 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे फॉर्म फिल कर दीजिए, बाकी के लिए अंडरटेकिंग आप दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नो एग्जाम है, मेरिट से आप लोगों का चयन होने वाली है इस बार भी। अब एक चीज और आप पूछ रहे हो कि सर इसमें क्या सैलरी क्या मिलेगा, तो आप सभी को पता है कि BPM में तो
बीपीएम में आप लोगों का 12,000 बेसिक सैलरी है, ठीक है, 12,000 बेसिक सैलरी है, जिसमें से आपको 50% डीए ये सब मिला करके लगभग 18,000 के आसपास मिलेगा। एबीपीएम में अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी 16,000 प्लस ही आप लोगों को दिखने मिलने, 16,000 के आसपास मिल जाएगा आप लोगों को। बेसिक सैलरी आपका 10,000 है, लेकिन जो है आपका डीए 50% प्लस रूम रेंट, ऐसे कुछ कुछ मिला करके ये 16,000 के आसपास आपका बनने वाली है। हालांकि आप सोच रहे हो कि सैलरी कम है, लेकिन 4-5 घंटे की ड्यूटी में भैया अच्छा मौका आप लोगों को मिला है, जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि इतना सैलरी ठीक है, आप आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं, गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें आप लोगों को बोनस भी देती है, ठीक है, दिवाली के टाइम पे आपको बोनस भी मिलेगा और आपका सैलरी इंक्रीमेंट भी देखने को मिलती है, तो जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप जेडीएस में कार्य करते रहे हैं तो आपके लिए भी आईपीपीबी की तरफ से आए दिन वैकेंसी आती रहती है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, अभी अभी आया हुआ था, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट है तो उसके बाद आपके पास एक और भर्ती आती है, वो है पोस्टमैन एमटीएस मेल गार्ड की, वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए आए दिन भर्ती आती रहती है। तो ये सभी आप लोगों का जीडीएस का फायदा है, तो उसमें आप लोग जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब देखिए, आप सोच रहे होगी कि इसमें काम क्या रहेगा, ठीक है, काम क्या रहेगा आपका एबीपीएम का। सबसे पहले एबीपीएम मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर। अब इसका काम आप सोच रहे हो ना, तो इसका काम जो है दोस्तों वो डाक जो वितरण करना है, अगर कोई चिट्ठी एटीएम ये सब आया तो घर घर जाके वितरण कौन करता है, आपका एबीपीएम करता है, ठीक है। दूसरा आपका टिकट वगैरह बेचना, उत्पाद का वितरण, ये सभी अंतर्गत इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद जितने भी बीपीएम कैंडिडेट हैं, बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसका ऑफिस का रख रखाव बैंकिंग से लेकर के जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों, कार्य करना, और क्या बोलते हैं, एक चीज और है, मतलब पूरा सारा कुछ देख रेख काम बीपीएम का आता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का। इसके नीचे में एबीपीएम रहता है, अगर बीपीएम नहीं आता है तो सारा काम एबीपीएम देखेगा। तो अच्छा मौका है आप सभी के पास, जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार का आपके पास सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम है तो अभी से आप सुधरवा लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें पोस्ट प्रेफरेंस का, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोस्ट प्रेफरेंस, क्योंकि इसी से आपका मेरिट बनता है, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होती है। तो देखिए पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे करना है, मान लीजिए ये एक स्टेट है, ठीक है, या सर्कल बोल दिया जाए। अब इसके अंतर्गत ये डिवीजन है, बहुत सारा डिवीजन डिवीजन डिवीजन, ठीक है, अब एक डिवीजन के अंतर्गत बहुत सारा पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए इस सर्कल का ये डिवीजन चूज करते हैं, तो इसके अंतर्गत जितने भी पोस्ट ऑफिस है, जहां पे भी आपका कास्ट देखेगा, अगर आपका कास्ट एसटी कास्ट है, ठीक है, तो एसटी का जितना पोस्ट है उसको सेलेक्ट कीजिएगा पहले, उसके बाद यूआर का पोस्ट सेलेक्ट कीजिएगा, इससे आपका सिलेक्शन का चांस ज्यादा रहता है। एक चीज आप लोगों को और मैं बता दूं, ठीक है, ये तो हो गया आपका सर्कल डिवीजन पोस्ट का। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, कटअप, कहां पे कटअप कम जाता है। तो एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, आप कहीं पे भी फॉर्म फिल करो, अभी के टाइम पे सभी जगह प्राय प्राय कटअप हाई जाती है, बस कहां पे कम जाती है, तो ये आप लोगों को मैं बता दूं, एक नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, जहां पे कटअप आप लोगों को हमेशा कम देखने को मिलती है। बाकी अगर आप असम के कैंडिडेट हैं, या फिर गुजरात के कैंडिडेट हैं, या फिर महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं, तो अदर स्टेट के मुकाबले में ये सभी जगह पे आपका कटअप कम देखने को मिलती है। बाकी जितने भी हिंदी स्टेट है ना, वहां पे तो भयानक तोड़ के कटअप है भाई, 97, 98, 95। बिहार के अगर आप कैंडिडेट हो तो अगर आपका 95% है तो वहां पे मेरिट पे आ जाएगा। और देखिए पहले क्या हो रहा था, पहले 100-100 कटअप वाले ज्यादा आ रहे थे, अभी के टाइम पे नहीं आ रहे। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप फॉर्म भर लो 100% का, लेकिन डीवी में जाकर के छटा जाओगे, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का डीजी लॉकर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, मूल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, फॉर्म भरने के टाइम पे जा एक बार फिर से मैं वीडियो बना करके आ जाएगा कि कहां पे इस बार सेफ जोन है और कौन सा जोन अभी इस टाइम पे सबसे खतरनाक जोन है। एक चीज मैं बता दूं, जितने भी हिंदी जोन है ना, हिंदी, वहां पे आप लोगों को सभी को मैं बोल दे रहा हूं, इस बार भी, अभी क्या है, अभी के टाइम पे सभी का परसेंट हाई हाई आ रहा है,
कोरोना काल वाले ज्यादातर ज्वाइन हो चुके हैं, तो उनका वजह से अभी के टाइम पे सभी स्टेट सेफ नहीं है, बस एक दो स्टेट को। तो अगर आपका 80% है, 80% से नीचे है अभी के टाइम पे, तो सोच समझ करके फॉर्म फिल कीजिएगा। हाँ, कुछ जोन पे 67, 60, 80 ऐसे में भी सिलेक्शन होती है। कहाँ पे होती है आप लोगों को बता दूं, नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत आप लोगों का सिलेक्शन हो जाती है। तो जरूर सबके सब ध्यान दे दीजिएगा अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। लेकिन कुछ कुछ नॉर्थ ईस्ट के डिवीजन में आप लोगों से लोकल सर्टिफिकेट मांगता है रेसिडेंस का, तो आप लोगों को क्या करना है, वो नहीं बनता है तो वहां पे मत फॉर्म फिल कीजिएगा। दूसरे के बाद में आकर के ऐसी फॉर्म फिल मत कीजिएगा, मेरिट में नाम आने के बावजूद भी आप वहां पे जाकर के कट जाओगे, क्योंकि कई स्टेट जो है वो अपने स्टेट के कैंडिडेट को ही प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसके वजह से। दोस्तों इस प्रकार से इस भर्ती का मैंने कंप्लीट डिटेल बता दिया। अब आप लोगों को इसका अप्लाई डेट के बारे में बता दूं, फॉर्म आखिरकार इसमें अप्लाई कब से होगा। तो अप्लाई आप लोगों का भैया जनवरी फरवरी 2025 में ये नया भर्ती देखने को मिलने वाली है, और ये जो 30,000 प्लस ही वैकेंसी इस बार भी आने वाली है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। शेड्यूल फर्स्ट के अंतर्गत आ रही है ये भर्ती, और हो सकता है तो जुलाई में दूसरी भर्ती भी आ सकती है। तो जितने भी कैंडिडेट मुझे देख रहे हैं सभी के पास सुनहरा मौका है। अभी अगर कुछ सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है तो बनवा लीजिएगा। साथ ही साथ आपका ग्रुप डी वगैरह की भर्ती आ रही है रेलवे के अंतर्गत, इसी नवंबर महीना के लास्ट तक कभी तक कभी भी ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। 10th लेवल की वैकेंसी भी रह गए और ITI लेवल की भी वैकेंसी रहेगी, तो सबके सब ध्यान से उसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार का सवाल है अगर आप लोगों के मन में तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।